सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? स्लोप ऑफ द लाइन। अब भैया, स्लोप की बात माइंड में करें तो वो स्लोप आपको माइंड में कौन सा स्लोप है? वो नहीं है, वो हम गाड़ी लेके जाते हैं और स्लोप में, वो स्लोप की बात नहीं है, ये मैथमेटिक्स का स्लोप है। वैसे आपको बता गई ये तो ये स्लोप है रोड पे, तो ये गाड़ी गई, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन दें। ओके भैया, स्लोप ऑफ द लाइन, बट वैसा कंसेप्ट तो वैसा ही है, स्लोप ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड में एक बात क्लियर कर लो कि स्लोप कौन सी लाइन का हम फाइंड कर सकते हैं। तो कितने टाइप की लाइंस होती है आपको मालूम है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस? यस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड नॉन वर्टिकल, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस। देर आर थ्री टाइप ऑफ लाइंस, राइट? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, राइट? एंड इट इज नॉट ए वर्टिकल, नॉट ए हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो पहले तो माइंड में ये फिक्स कर ले बच्चा, दो कि दिस वन, हेलो हेलो दिस वन, हेलो दिस वन, ये दोनों के लिए स्लोप फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है? ये दोनों के लिए स्लोप पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। इसका तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे आगे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। इसका जो स्लोप होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है भाई, राइट? यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में क्लियर कर लेंगे, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड एट जीरो। यस सर। नो, ओके, सो इट इज द इम्पोर्टेंट। तो अब इसको हम छोड़ ही देते हैं अभी तो, है ना? अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आपको मालूम है स्लोप किसका मिलता है, नॉन हॉरिजॉन्टल एंड नॉन वर्टिकल लाइन का, मीन्स इसका मिलेगा। ओके, तो मैं चलो हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। अब ये जो लाइन है उसका रोल क्या है भाई? ये जो लाइन है उसका रोल क्या है? हेलो, ये लाइन का रोल क्या है बता मुझे? इट इज द लाइन एंड इट इज द ऑल्सो द लाइन जिसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, राइट? इट इज द लाइन, इट इज लाइन, बोथ आर द लाइन हियर। अब बेटा देखो, ये क्या कर रही है? इट्स मेक्स एन एंगल थीटा, राइट? दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, एग्री? भाई ये जो एंगल बना रही है वो कहां पे बना हो रहा है? विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। तो लाइन मेक्स एन एंगल विथ थीटा, एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, पॉइंट दिस पॉइंट ना, पॉइंट दिस पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ओके, विथ पॉजिटिव एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्सिस। रेसन मीन्स डायरेक्शन है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए। तो एनी लाइन मेक्स एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, इन पॉजिटिव डिरेक्शन, इन पॉजिटिव डिरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय, हेलो, एम इक्वल टू टेन थीटा। क्या बात है यार, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो माइंड में तो हो गया ना, स्लोप का सिंबल क्या है? एम इक्वल टू टेन थीटा, राइट? बट हेलो, एक बात तो भूल गए ना हम लोग, कौन से ये थीटा कहां पे डिफाइन होने वाला है? ये थीटा कहां पे डिफाइन होगा? अभी तो आप बोल के आए ना, आगे बोल के आए, ये नहीं, अब बोल के आए कि भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, तो थीटा कहां पे डिफाइन होने वाला है? थीटा डिफाइन होना है, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा बिलोंग्स टू कहां पे होगा? जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू, हेलो, कहां पे होगा? जीरो टू पाई माइनस पाई बाय टू। क्योंकि बच्चा अगर हम टेन जीरो लेंगे तो टेन जीरो जीरो होने वाला है, राइट? तो वो हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट मैंने तो यहां पे पहले ही बोल दिया कि भाई मैं ये स्लोप फाइंड कर रहा हूं, विच लाइन
non vertical non horizontal and therefore 0 pi pi by 2 तो possible ही नहीं है. Hello. So m equal to tan theta, it is the slope of the line, it is the slope of the line. Hello, it is the slope of the line. So m equal to tan theta and theta define in 0 to pi minus pi by 2. It's all clear? Yes. It's all clear? Yes. Doubt hai? No sir, no doubt. Doubt hai? No doubt. Okay, no doubt. So 0 to pi minus pi by 2 here. After that, यहाँ से बात नहीं stop होने वाली है. यहाँ से बात stop होने वाली नहीं है, अभी आगे जाना है. ये जो स्लोप फाइंड किया ना, ये जो किसके लिए फाइंड किया, वैन वैन मेक्स एन एंगल थीटा. अब पॉइंट दिया है, हम तो लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन में पॉइंट तो आएंगे ही ना. yes. कि नहीं आएंगे? अगर लाइन में पॉइंट आएंगे तो अगर पॉइंट दिया तो क्या स्लोप फाइंड नहीं करना है? करना है, नहीं करना है, करना है. करना तो है. अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे. तो वंस अगेन सब मैं एक यूज कर रहा हूँ. यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां से एक और लाइन ड्रॉ, राइट. देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द लाइन, देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. सपोज इट इज ए एक्स वन वाई वन, हेलो, इट इज ए एक्स वन वाई वन एंड इट इज बी एक्स टू वाई टू, ए एक्स टू वाई टू एंड बी एक्स टू वाई टू. ओके, टेल मी, ए एक्स वन वाई वन एग्री, बी एक्स टू वाई टू एग्री, बट नाउ टेल मी यार व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. वो लो मेरे बच्चे क्या कर रहा है, इट इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है. क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट. मेरा यहाँ पे ना एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, समझो. यहाँ भी एक्स, समझो यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पर भी थ्री आएगा, यहाँ पर भी थ्री आएगा. समझ में आ रहा है? समझो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, ये वन टू थ्री ये लाइन में ड्रॉ की. यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू चेंज होने वाली है, बट एक्स की वैल्यू तो सब में आएगी ना भाई. तो यहां पे x की वैल्यू सेम आएगी, वैसे ही यहां पे y की वैल्यू सेम आने वाली है. yes. Yes, yes. तो ये जो पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा? एक्स वन वाई टू, दैट्स गुड, एक्स वन वाई टू, डन. अब सिंपली भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहां वाई टू सेम है. yes. अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई BC का स्क्वायर जो होता है ना, वो X2 माइनस X1 का स्क्वायर होता है, राइट. X2 माइनस X1 का स्क्वायर होता है एंड Y2 जीरो हो जाएगा. तो BC का जो वैल्यू होता है ना, वो X2 माइनस X1 होने वाला है. क्या होने वाला है? X2 माइनस, बट मॉड्यूलस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है, डिस्टेंस है. तो ये जो डिस्टेंस है वो X2 माइनस X1 है, हेलो. ये जो डिस्टेंस है वो y2 टू माइनस वाई वन है, हेलो. yes, है, इट इज x2 टू माइनस एक्स वन. सेम आप ए सी का स्क्वायर फाइंड करके फाइंड कर लो यार, प्रॉब्लम नहीं है. yes. तो y2 टू माइनस वाई वन आ जाएगा. होशियार बच्चे को ये समझा नहीं पड़ता है. अब समझ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होने वाला है. yes. अब फॉर्मूला अप्लाई कर कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है. tan थीटा मीन्स दिस अपॉन दिस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओए नहीं समझ में आ रहा है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इज अपोज, ओए है ना. yes. हम बोलते हैं साइन. yes. में क्या बोलते हैं? साइन में क्या बोलते हैं? साइन का सिंबल क्या याद करो, साइन के लिए क्या बोलते हैं? अरे यार भूल गए ना आप लोग, बहुत भूल जाते हो आप लोग. ये थीटा है, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपो है, यस और नो? तो साइन के लिए बोलते ओ, साइन के लिए क्या बोलते ओ, कॉस के लिए क्या बोलते आ, एंड टेन के लिए क्या बोलते ओ ए, ओ ए, यस और नो? तो यहाँ पे ओ ए की बात करते हैं ना ये भाई, हेलो. तो दिस अपॉन दिस एग्री.
सो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस 7 भाई ये जो tan है इसको हम बोलते हैं फिर से स्लोप है ना yes, तो बच्चा एक बार समझ ले इफ यू गिवन द पॉइंट इफ यू गिवन द पॉइंट ऑन द लाइन एंड इफ यू वांट टू फाइंड द स्लोप यस और नो देन वी आर यूजिंग फॉर्मूला दिस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बस ऐसे ही याद रखोगे ऐसे ही याद रखोगे कुछ सॉन्ग में याद रखो ना डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स इन सेम ऑर्डर In same order, difference between y coordinates upon difference between x coordinates, difference between y coordinate upon difference between x coordinate in same order. So tan theta is equal to y2 minus upon x2 minus equal to m ho jayega. Yes or no? Yes. So there are important topic here. It is the slope, right? अब छोटी बात है, एक दो मिनट की छोटी बात है. If line is like this way. And line like this way, then what's the difference between these two? So ये जो angle है ना वो below 90 है और ये more than 90 है समझो तो बेटा जो m की जो value होती है तो m equal to tan theta is greater than 0 when value of theta between 0 to pi by 2 yes and m equal to minus tan theta या tan theta less than 0 tan theta is 0 when theta belongs to pi by 2 to pi yes or no yes. So it is the little important points but बिना slope पे आप आगे जा ही नहीं सकते hello बिना slope से आगे आप ये lines का chapter study पढ़ ही नहीं सकते right Okay, so it is the important point. Now you are ready for the next topic? Yes, sir. Okay.